विभाग की अवैध सोनोग्राफी और गर्भलिंग निवारण करने वाले के खिलाफ कार्यवाही ठंडे बस्ते में पड़ी है। जिले में पिछले 3 वर्षों में केवल 2 ही कार्यवाही की गई है, जबकि शुरू वर्ष में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। गैर कानूनी रूप से गर्भलिंग जांच करने के प्रकरण में दाखिल किए गए मामलों की गति भी धीमी है। इसमें अब तक कुछ ही डॉक्टरों को सजा हुई है। शासन ने 1994 में गर्भलिंग निवारण कानून में वर्ष 2014 तक कई सुविधाएं किए हैं। वास्तव में यह कानून अच्छा है, जिसमें गैर कानूनी कृत्य व अंकुश लग सकता है, किंतु क्रियान्वयन पर अनदेखी की जा रही है। पूरी तरह से महिलाओं के साथ डॉक्टर अश्लीलता से जांच करते हैं, तब भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। चंद्रपुर में 430 आंगनबाड़ियों में शौचालय नहीं है, सुविधा का अभाव। चंद्रपुर निर्मल मुक्त भारत देश यह संकल्पना अमल में लाते समय देश का कल का भविष्य होने वाले आंगनबाड़ियों के बालकों को शौचालय के अभाव के चलते खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है। चंद्रपुर जिले के 430 आंगनबाड़ियों में स्वतंत्र शौचालय सुविधा नहीं होने की बात उजागर हुई है, जहां बालकों को शिक्षा की पहली स्टेज पर ही भौतिक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। गुटखा शराब बेचने पर 5,000 का जुर्माना ग्राम पंचायत में लिया है यह निर्णय। गढ़चिरौली गांव में शराब बिक्री, तम्बाकू, गुटखा बिक्री बंद हो, इसलिए विक्रेताओं पर 5,000 रूपए का जुर्माना लगाने का निर्णय नगरगांव के ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा में लिया गया। तो वही नवरगांव, यहां कई दिनों से शराब बिक्री बंद थी, लेकिन कुछ शराब विक्रेताओं ने शराब की बिक्री शुरू की। साथ ही गुटखा का सेवन कर रहे बच्चों ने जोरों से शुरू कर दिया था। इसी वजह से ग्राम पंचायत ने फैसला किया है, सामाजिक व शारीरिक स्वास्थ्य खराब न हो, इस हेतु तहसील मुक्ति पंथ टीम द्वारा पुनर्गठन किया गया। तो वही 5,000 जुर्माने के बाद से माहौल गर्म सा गया है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटे के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।